आज मैं मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के यूपी गार्डन में। यहाँ पर हमने देखा कि इस मार्को संग्रहालय और संस्थानों पार्क के जो सुरक्षा करने वाले कर्मचारी हैं, उन लोगों का एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। आइए हम जानकारी लेते हैं इस आंदोलन में कौन कौन सी मांगें हैं, इनका क्या उद्देश्य है। तो सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सर, मेरा नाम लाल बहादुर चौहान है, मैं यहाँ सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत हूँ। हम लोग जो है 2011 में मतलब 75 ज़िले से कर्मचारियों की नियुक्ति हुई थी, जिसमें लगभग 6000 के आसपास फोर्थ क्लास एम्प्लॉय नियुक्त हुआ था। टोटल भर्ती 8635 पद जो है नियुक्त हुए थे। हम लोग निरंतर 11-12 वर्षों से निरंतर हम लोग निष्ठा ईमानदारी के साथ सफाई का कार्य कर रहे हैं। हम लोग जो है यही नहीं, पार्कों में नहीं, पूरे आल लखनऊ की बात कर रहे हैं। हमारे बीच से कर्मचारी लगभग 2000 के आसपास भारत निर्वाचन आयोग BLO का कार्य कर रहा है, और कुछ हमारे कर्मचारी भाई शासन में भी लगे हैं, और कुछ कर्मचारी जो है अधिकारियों के घरों में लगे हैं, कुछ प्रशासन के यहाँ लगे हैं। बाकी लोहिया पार्क, जनेश्वर, रेरा, अभी G20 सम्मेलन हुआ था, हम लोगों का जो है टुकड़ियों में हम लोगों को रातों में ड्यूटियाँ लगाई गई। और एक चीज़ जब ले चलते हैं, इस नियुक्ति की प्रक्रिया किस तरीके से हुई, पूर्व की गवर्नमेंट माननीय मुख्यमंत्री मायावती ने जब इस समिति का गठन किया, तो ये समिति की जो नियमावली उन्होंने बनाई, बाकायदा राज्यपाल द्वारा स्वीकृति ले करके बनाई, उसमें उन्होंने ऐसी व्यवस्था दे रखी है। हम लोगों की नियुक्तियां जो है अस्थाई है, अस्थाई पे नियुक्तियां हुई, जो कि हमारी सेवा नियमावली में ये स्पष्ट है कि हम कर्मचारियों की परवीक्षा अवधि 2 वर्ष के लिए होगी। 2 वर्ष परवीक्षा अवधि समाप्त होने के बाद पूर्णतया हमें अस्थाई मान लिया जाएगा, लेकिन 12 वर्ष बीत गए, अभी हम लोग अस्थाई नहीं हो पाए। दूसरी चीज़, वेतन में वो व्यवस्था हमारी सेवा नियमावली में पहले ही कर दी गई है कि राज्य कर्मचारियों की भांति समय समय पर जैसी व्यवस्था उन्हें मिलेगी, वही व्यवस्था स्मारक समिति के कार्मिकों पे भी लागू होगी। हमारे यहाँ पूर्व की गवर्नमेंट ने, बहन कुमारी मायावती जी ने ऐसी नियमावली का गठन किया, उसमें 12 सदस्यों की बोर्ड की एक कमेटी गठित की, जिसमें 12 ISO की नियुक्ति हुई जो 12 विभाग से आते हैं। 12 विभागों के ISO की ये जिम्मेदारी है, यदि हमारे समिति के कर्मचारियों में कोई व्यवस्था नहीं है, जैसे मृतक आश्रित आप देख सकते हैं, मृतक आश्रित को नियुक्ति दी जाए, ये हमारी सेवा नियमावली में नहीं है, लेकिन वो नियमावली हम पे लागू होती है, क्योंकि उसी लिए बोर्ड का गठन किया गया। सुनिए महोदय, सुनो, पहले सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। वो बोर्ड इसीलिए बनाया गया है। अच्छा, बोर्ड की मीटिंगें कई बार हुई, 12-13 बार हुई। 2018 में हमारा जो है 1300-1400 ग्रेड पे हमको नियुक्ति किया गया था, उसको संशोधित रिवाइज संशोधित वेतनमान में कन्वर्ट करने के लिए 5220200 ग्रेड पे 1800 सन 2000 में बोर्ड ने पास किया। आज जो आप धरने पे बैठे, तो प्रमुख मांगे आपकी वो चीज़ आप बता दें। मांगे हमारी हैं पुनरिचित वेतनमान 1300-1400 समाप्त करके 5220200 ग्रेड पे 1800 की मांग कर रहे हैं, और हमारे बीच में अल्प वेतन होने के नाते हम लोगों का जो वेतन है, राजधानी जैसे शहर में रहते हैं, अल्प वेतन भोगी हैं, हमारी मूल समस्याएं हमको नहीं पूरी हो पा रही हैं, इसलिए हम जो है पुनर्चित वेतनमान 5220200 ग्रेड पे 1800 की मांग कर रहे हैं, जो आज पूरे भारतवर्ष में 6 पे की बात ही छोड़िए 7th चल रहा है, हमारी उसकी मांग है। दूसरी मांग है हमारी मृतक आश्रित अनुकंपा नियुक्ति हमें दी जाए। उसके बाद हम अस्थायीकरण पदोन्नति ACP की मांग करते हैं। उसके बाद सवेतन चिकित्सा अवकाश, हमें जो है EL अवकाश या CL हमको महीने में साल में 14 मिलती हैं, हम 14 दिन की छुट्टियों में हम अपना इलाज नहीं करा पाते, वैसी स्थिति में हम इनसे चिकित्सा पूर्ति नहीं मांग रहे हैं, हम इनसे अवकाश मांग रहे हैं, जिससे हमारा कर्मचारी भाई वैसी स्थिति में छुट्टी लेकर के अपना संपूर्ण इलाज करा सके। और हमारा जो है CPF,
हमारे वेतन से 10% की कटौती प्रतिमाह की जाती है। अभी उसमें कोई नियोक्ता अंशदान शामिल नहीं है। उसका खाता अभी तक हम लोगों को नहीं दिया गया। शासन प्रशासन की मिली भगत से उसकी एफडियां की जा रही हैं, जो कि उसका लेखा जोखा हम समस्त कर्मचारियों को नहीं पता है, जिसके भविष्य को लेकर हम अपने खुद के भविष्य को लेकर, अपने बाल बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। हम चाहते हैं हमारा ही एनपीएस खाता खोला जाए। अच्छा, ये बताइए, ये धरना कितने दिन से चल रहा है? ये धरना हमारा 18/12/2023 से शुरुआत हुआ था, और हम लोगों ने ये बाकायदा इनको कई बार जो है लिखित पत्र भेजा, ज्ञापन दिया। इसके पहले भी 10 अगस्त को हम लोगों ने धरना किया था, तो माननीय महामहिम मंडल कमिश्नर महोदय द्वारा आश्वासन मिला कि आपकी मांगे एक सप्ताह में निस्तारित कर दी जाएंगी, लेकिन उन्होंने प्रयास में कोई कमी नहीं की। समस्या ये है कि हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं कुर्सियों पे, वो पता नहीं क्या उनको हो गया है, करना नहीं चाहते। एक तरफ अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो फिर आंदोलन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आंदोलन के बारे में ये स्पष्ट है, आज हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन पे उतर आए हैं। 9वां दिन आज हमारा है। हमारे बीच में कोई सक्षम अधिकारी ना तो कोई आश्वासन देने आया, ना तो अभी तक कोई आदेश निर्गत हुए हैं। आज हमारा 9वां दिन है। आज हमारी टीम को जो है वार्ता के लिए बुलाया गया है, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि वार्ता में वो आदेश देंगे या आश्वासन देंगे। मैं यही कहना चाहूँगा, यदि आश्वासन मिलेगा तो ये धरना हमारा अनिश्चितकालीन चलता रहेगा, चाहे हमें महीना सालों साल ये अनिश्चितकालीन धरना चलाना पड़े, तो हम यही धरने पर बैठे रहेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि कर्मचारी पूरी तरीके से धरने पे बैठे हैं और अपनी मांगे मनवाने के पूरे मूड में हैं। हमारे बीच में एक बच्ची बैठी, छोटी सी, बेटा कुछ कहना है, जरा खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, हाँ, इसके ऊपर खड़े हो जाओ, हाँ। आप यहाँ क्यों आई हैं? हम यहाँ पे अपने पापा, हमारे पापा यहाँ पे काम करते थे, तो हम उनके हक लेने आए हैं, हमारी मम्मी को नौकरी मिल जाए। आपके पापा की डेथ हो गई है? हाँ, हमारे पापा की डेथ हो गई थी। कितने दिन हो गए? 3 साल हो गए। 3 साल, हाँ। अब तक मम्मी की नौकरी की जॉब नहीं मिली है? अभी तक कोई कुछ नहीं कह रहा है, हमारी मम्मी की नौकरी अभी तक नहीं मिली। आपकी मम्मी कहाँ है? आप जरा खड़े हो जाइए। आपके पति की मौत के कितने साल हो गए हैं? हुसैन की मौत को 3 साल हो गए, 3रा साल चल रहा सर, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। हमारे बहुत परेशान रहते हैं। तो आपके घर परिवार का खर्चा कैसे चलता है? मजदूरी करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, बस यही खर्चा चलता है, ना खेती है, ना किसानी है, कुछ नहीं है। इस संस्थान की जहाँ पे ड्यूटी करते थे आपके पति, उधर से कोई मदद नहीं मिली? उधर से मदद नहीं मिली अभी, मतलब ज़्यादा कुछ मदद ना हुआ है यहाँ से। तो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास की सरकार दावा कर रही, आपके सामने हकीकत है। दादा, आपका क्या नाम है? रामदास। आप यहाँ किस वजह से आए हैं? मेरी वही ड्यूटी करते रहे, एक्सपायर हो गई 16 तारीख की हैं। मैं पैसा के कारण, मजबूरन के कारण, उनकी दवा इलाज नहीं हुए पैसे, वो एक्सपायर हो चुकी है। अब उनके जगह पर ये लड़का है, एक लड़की शादी करे कहीं यहाँ, जो लड़का शादी करने के हम बुढ़े हो गए हैं, मजदूरी कहीं नहीं पाते हैं, कैसे लड़कन के जीवन हो, कैसे लड़का पढ़ाई लिखाई करे, कैसे का करे। आपका लड़का कहाँ था? ना ही हमारी वही मलकिन। अच्छा, आपकी पत्नी? हाँ, ये 16 तारीख की हैं, एक्सपायर भाई हैं, दवा पैसा के कारण से वो एक्सपायर हो चुकी हैं, इलाज नहीं हुई पैसे। तो आप संबंधित विभाग में गए थे, वहाँ से क्या जानकारी मिली? कुछ नहीं मिला अभी तो, कुछ नहीं मिला है। आप बोलो जी सर। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर, मेरी मम्मी का हार्ट अटैक से देहांत हो गया है, पैसे ना होने के कारण इलाज नहीं हो सका, और वहाँ कार्डियोलॉजी लौरी हॉस्पिटल में भी डॉक्टर ने कोई कुछ नहीं रिस्क लिया, और ले गए थे ऑपरेशन थिएटर में, पैसे ना होने के कारण इलाज समय पर ना करने की वजह से। वो तनख्वाह का पैसा नहीं मिला? सैलरी का पैसा मिला था, उनकी सैलरी कम थी, इसी को लेकर के घर पे मतलब जो है ज़्यादा परेशान रहती थी, इसी सोच विचार के कारण उनके हार्ट अटैक हुआ। अब बताइए हमारी पढ़ाई कैसे हो, मम्मी कमाती थी, हम पढ़ते थे, हम ये नहीं जानते थे पैसे कैसे कमाया जाता है, कैसे क्या होता है, हम सिर्फ इतना जानते थे कि पढ़ाई करनी है। किस पोस्ट पे थी? BIPLM सफाई कर्मी। सफाई। तो दोस्तों, जैसा कि आप देखते हैं कि दूसरों की गंदी सफाई करके लोगों का स्वच्छ जीवन देने का काम करते हैं, और उनके ना रहने पे, उनके मौत हो जाने पे किस तरीके से परिवार रोड के ऊपर आ गया,
और सरकार जहाँ बड़े बड़े हवाई दावे करती है कि हम पूरी गरीब जनता के साथ में हैं, तो फिर आखिर ये गरीब आपकी राजधानी के अंदर अपने न्याय के लिए भटक रहे हैं, इनकी सुनवाई आप कब करेंगे? दोस्तों, जिस तरीके से ये पीड़ित हैं, परेशान हैं, पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पा रहे हैं, बच्चों पर परवरिश नहीं हो पा रही है, सरकार को पूरी तरीके से ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जितना अहम रोल होता है एक बड़े से बड़े जिम्मेदार के मत का, उतना ही वोट होता है इन गरीबों का मत का। इन लोगों ने अगर आपको सरकार बनाने के लिए अपना मत दिया है, आपके ऊपर भरोसा किया है, तो इनका भरोसा ना तोड़िए और इन लोगों के दुख दर्द सुन करके इनको न्याय जरूर दीजिए। यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम, नमस्कार।